The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So like I said, white coat hypertension, everybody is supposed to have थोड़ा बहुत व्हाइट कोट हाइपरटेंशन. जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, उनके लिए बता दूं, व्हाइट कोट का मतलब है डॉक्टर का कोट. जब आप डॉक्टर का कोट, व्हाइट कलर का कोट, एप्रॉन, डॉक्टर्स कोट देखते हो तो एकदम से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. वो इसलिए क्योंकि आपका ब्लड, आप एंजाइटी, एंग्शियस हो जाते हो कि भगवान पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोल देना है, और हे भगवान मेरा ब्लड प्रेशर पता नहीं कितना आ जाना है, और मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, है ना. सो इस जिज्ञासा में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इस जिज्ञासा में, इस स्ट्रेस में, और उसी को कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन. तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होना कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वो पहचानना सबसे बड़ी बात है. पहचानना कि कैसे पहचाना जाए व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को, पहचाने कैसे, तो बहुत सिंपल है. अगर कोई स्ट्रेसर हट जाए, स्ट्रेसर क्या है व्हाइट कोट, स्ट्रेस कैसे हुआ देखने से, तो अगर आप वहां से हट जाओ, यानी आप अगर अपना ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने गिनोगे बढ़ा हुआ आएगा, और अगर आप घर आके गिनोगे तो नॉर्मल आएगा. तो कई लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में जाके गिनते हैं और हर बार नॉर्मल से ज़्यादा आता है, वो फिर जाके दवाई बढ़ा लेते हैं, फिर जाके दवाई बढ़वा लेते हैं, वो डॉक्टर फिर बढ़ा देता है, डॉक्टर भी नहीं सोचता, पेशेंट भी नहीं सोचता, और बिना सोचे में ना समझी हो जाती है. सो ये गलत है. ऐसे केस में जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ब्लड प्रेशर खुद मॉनिटर करें, खुद अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें. मॉनिटर इन द सेंस कि ब्लड प्रेशर को घर में जाके चेक करें कि ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा, ज़्यादा तो नहीं आ रहा, और ज़्यादा आ भी रहा है तो कितनी देर ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा मायने रखता है इससे कि कितना बढ़ गया, राइट. ब्लड प्रेशर कितने देर ज़्यादा हाई है वो मायने रखता है. तो अगर आपका किसी स्ट्रेसर से, स्ट्रेस होने वाली चीज़ से, व्हाइट कोट को देखने से ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है, नो बिग डील. वो अगर 5 मिनट के लिए बढ़ा हुआ है, नो, कोई दवाई नहीं खानी होती है. अगर वो 10 मिनट, 1 घंटा बढ़ा हुआ है, 1 घंटे से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो सोचना पड़ेगा कि यार इतना देर का है का स्ट्रेसर, राइट. खासकर अगर हॉस्पिटल से निकल गए फिर भी स्ट्रेस है. सो दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट, एंड दैट इज हाउ थिंग्स गो इन व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, राइट. सो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, सिर्फ डीप ब्रीदिंग. आप हॉस्पिटल में रहकर डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपका बीपी नॉर्मल हो जाना चाहिए, राइट. क्यू यस, नमक जब हम कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है, राइट. तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, नमक हमारे शरीर में सॉल्ट यानी सोडियम, NaCl का, नमक का जो NaCl में से Na है, सोडियम है, वो पानी को अट्रैक्ट करता है, राइट. पानी जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ पानी जाएगा. तो जब हम सोडियम ज़्यादा ले लेते हैं, खून में सोडियम बढ़ जाता है, तो खून में पानी बढ़ जाता है. तो पानी बढ़ेगा तो एक खून की नस है जिसमें एक पानी है, एक खून है, वो खून का वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सिंपल है. क्योंकि उसके खून में वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना जो नसों में आ रहा है वो. तो अगर हम सोडियम कम लेंगे तो क्या होगा, पानी वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. वॉल्यूम का मतलब है खून की मात्रा, खून के अंदर, जो खून के अंदर पानी की मात्रा, नॉट खून की मात्रा. खून नहीं कम होगा, पानी कम होगा जो खून में है. सो इसलिए पानी, नमक थोड़ा सा कम खाना पड़ता है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, ठीक. नमक कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है, राइट. मेडिटेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सच है, ये कोई मिथ नहीं है, ये सच्चाई है. सी, मेडिटेशन एक तरीके से आप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, एक ब्रीथ है, सांस लेने में ध्यान दे रहे हो, एक तरीके से आपके अंदर ब्लड फ्लो, आपके अंदर ऑक्सीजन, जब ब्रीदिंग में ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा. तो देर आर वेरी सिंपल थिंग्स कि आपका ब्लड प्रेशर रिलैक्स होता है, आपके शरीर रिलैक्स होता है,
मेडिटेशन से, डीप ब्रीदिंग से, योगा से। तो ये तीनों चीजें, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, तीनों चीजें आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, कम करने में काम करती हैं। तो अगर आप नमक कम खाते हैं, डेली योगा मेडिटेशन करते हैं, कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, पानी अच्छा पीते हैं और सब्जियां सलाद बहुत ज्यादा खाते हैं, तो यही तो डैश डाइट है। तो यही तो फिर ब्लड प्रेशर कम करेगी आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। जी हाँ, लो बीपी, लो बीपी वाले पेशेंट्स को सॉल्ट ज्यादा खाना चाहिए, नमक ज्यादा खाना चाहिए। तो जब भी उनका ब्लड प्रेशर लो होता है, उन्हें नमक शक्कर का घोल पिलाया जाता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में चक्कर जल्दी आ सकता है। तो ब्लड के अंदर, अगर मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर कमी है शुगर की, मान लीजिए कोई कमी है, तो नमक कम है तो भी ब्लड प्रेशर कम होगा, थायराइड कम है तो भी ब्लड प्रेशर कम होगा। तो कारण जानना अलग है, कारण जानना अलग है, लेकिन जो इलाज है वो है थोड़े देर नमक खा लो। थोड़ा नमक ज्यादा खा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए नमक ज्यादा खाने का सिंपल सी चीज है, नमक ज्यादा खाओगे, जहां नमक जाता है वहां पानी जाता है, तो नमक ज्यादा वॉल्यूम ले लेगा, नहीं पानी ज्यादा ले लेगा ब्लड में, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। सो इसलिए नमक ज्यादा खाना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, नो डाउट। आयुर्वेदिक मेडिसिन बिल्कुल काम करती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, नो डाउट। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस जितनी चीजें आई है आयुर्वेदिक में, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली ब्लड प्रेशर लो करती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसमें सिर्फ एक ही इश्यू है कि हमें ये नहीं पता कि ब्लड प्रेशर कितना लो होगा, हमें किसमें लो होगा, हमें ये नहीं पता कि दूसरी दवाएं जो आयुर्वेदिक एलोपैथिक मिलके क्या इफेक्ट करेंगी या इंटररिएक्शन क्या करेंगी। सो आयुर्वेदिक दवाएं ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बिल्कुल काम करती हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक दवा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होगा, या अपना शुगर, जो भी आप जिसके लिए भी आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, वो मॉनिटर करना होगा कि क्या आपकी दवा से आपकी शुगर, आपकी बीपी कंट्रोल हो भी रहा है या नहीं, वरना कोई फायदा नहीं। वरना आयुर्वेदिक दवाई सिर्फ लेते जाने में कोई तुक नहीं बनता, राइट। अब कौन सी आयुर्वेदिक दवा ब्लड प्रेशर पे काम करती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, राइट, क्योंकि उसमें बहुत सारी दवाई है, राइट। सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी आयुर्वेदिक मेडिसिन बीपी कंट्रोल करती है, राइट। खाने पीने में अगर लोगों को लगता है कि हरे पत्ते वाली सब्जी खाने से, आयोडीन ज्यादा लेने से ब्लड प्रेशर कम होता है या बढ़ जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आयोडीन खाने से आपका थायराइड फंक्शन जरूर ऑल्टर होता है, थायराइड, क्योंकि थायराइड को आयोडीन चाहिए। अगर आपको हाइपोथायराइड है, उसकी वजह से बीपी कम रहता है, तो आयोडीन ज्यादा लेने से थायराइड प्रॉब्लम कम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपका थायराइड की गोली बंद हो जाए, हो सकता है आपका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाए, लेकिन अगर जिसको थायराइड नॉर्मल है वो आयोडीन ज्यादा लेता है, तो आयोडीन ज्यादा से थायराइड हार्मोन ज्यादा नहीं बनने शुरू हो जाएंगे। रिमेंबर दिस, बिकॉज शरीर को पता है कि मेरे को इतने हार्मोन बनाना है, वो इतना ही बनाएगा, उसके पास रॉ मटेरियल है तो है, राइट। ये शरीर का काम ऐसा ही होता है, वो ऐसा नहीं करता कि रेती ईंटें पड़ी हैं तो 4 मंजिल और बना लेगा बिल्डिंग, ऐसा नहीं है, राइट। सो बिल्कुल आयोडीन खा सकते हैं, आयोडीन रिच फूड आपको लेना भी चाहिए। कि अगर आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्या उससे हार्ट अटैक आना पक्का है? ऐसा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा आपकी नसों में, जरूरी नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो हार्ट अटैक आएगा, जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है, ब्लॉकेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ब्लड प्रेशर बढ़ना, उन दोनों से लिंक्ड है। क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा उतनी खून की नसों में क्रैक्स आएंगे, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा उतनी खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, क्योंकि वो अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं और एक स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से, अच्छी लाइफस्टाइल से, बैलेंस डाइट से क्या होता है कि आपकी खून की नसें जो बंद तो हो रही हैं, दूसरी नेचुरल खून की नसें खुलनी शुरू हो जाती हैं।
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक अलग है, हार्ट में ब्लॉकेज अलग है, हार्ट में ब्लॉकेज सबके बनेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, रिमेम्बर दैट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप खून की नसों में, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो आपके खून की नसों में ब्लॉकेज आएगा ही आएगा, या ब्लड प्रेशर हाई होगा तो अटैक आएगा ही आएगा, ऐसा कोई दो राय, कोई भी फिक्स चीज नहीं है। ये पेशेंट की लाइफस्टाइल पे है और जेनेटिक्स जीन्स पे भी होता है, तो आपको अपने तरफ से सारे एफर्ट्स करने होंगे प्रिवेंट करने के लिए, सारे एफर्ट्स करने होंगे हेल्दी रहने के लिए, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज किडनी डैमेज, किडनी डिजीज। क्या होता है, ब्लड प्रेशर से जब जाता है तो ब्लड प्रेशर किडनी में जाएगा, ब्लड प्रेशर सारे खून सारे ऑर्गन्स में जाएगा। अब ब्लड प्रेशर का मतलब खून तो जा ही रहा है, अगर आपका ब्लड ज्यादा प्रेशर से बढ़ रहा है, बह रहा है, तो वही प्रेशर आपके ऑर्गन्स में ट्रांसमिट होता है कि वो प्रेशर उनको लग रहा है, लिटरली लग रहा है, प्रेशर से खून जा रहा है, ब्लड में प्रेशर है, वहां किडनीज में प्रेशर है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने से किडनी में मेडिकल रीनल डिजीज डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, कुछ समय में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तो मेडिकल रीनल डिजीज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी किडनी सीकेडी, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। तो यस, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर विल कॉज सीकेडी, किडनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इसीलिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है इज द प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, सेंधा नमक से ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है। सेंधा नमक खाओ या टाटा नमक खाओ या कोई भी नॉर्मल नमक खाओ, आयोडाइज नमक खाओ, अल्टीमेटली ये सारे नमक जो है, रॉक सॉल्ट हो गया, हिमालयन रॉक सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया, काला नमक हो गया, ये सारे नमक सोडियम क्लोराइड ही है। तो सोडियम सॉल्ट ही खाएंगे तो सोडियम जो शरीर में जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से प्रकार का सोडियम है, आयोडाइज है या नॉन आयोडाइज है, रिफाइंड है नॉन रिफाइंड है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। सो कई लोग ये बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर से मैंने सेंधा नमक ट्राई कर सेंधा नमक स्विच कर लिया है, अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर, कॉन्सेप्ट है ऐसा, आयुर्वेदिक दवाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन और गलत धारणा गलत है, जो गलत है सो गलत है, राइट? सो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर सेंधा नमक या किसी और नमक से कंट्रोल नहीं हो सकता है, नमक कम खाना है चाहे कोई भी नमक खाओ, राइट? हाँ, टाटा सॉल्ट लाइट है वो ले सकते हो, जो लाइट आता है, लाइट वाला सॉल्ट, उसमें नमक की मात्रा थोड़ी कम होती है, वो आप ले सकते हो, उससे ट्राई कर सकते हो, नो बिग डील।